हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के हालचाल कैसे हैं और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हो कि आप कोई अतिरिक्त सेक्शन में से पढ़ना चाहते हो, किसी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही वक्त मिलता है आपके कमेंट को पढ़ने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम DSSB का जो 25 जुलाई वाला पेपर है उसको पढ़ रहे हैं और मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो अलंकार से आया है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मैम अलंकार वाला टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आएगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को लिख लेना, इसके ऊपर लगा लेना स्टार। ठीक है, भले ही डीप में क्वेश्चन ना आए लेकिन क्वेश्चन तो आएगा ना, तो आप इस टॉपिक को लिख लीजिएगा। क्योंकि रोज़ मैं आपको जब क्वेश्चन करवाती हूँ तो जो अतिरिक्त टॉपिक है हिंदी साहित्य के अलावा उनको लिखवाती हूँ। तो आप एक अलंकार को लिख लेना ऐड करके। यहाँ पे है कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप एक बार में ही यहाँ पे बता सकते हैं, अगर आपने अलंकार अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे उपमा है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दे देती हूँ उपमा के बारे में। एक तो देखो, उपमा है ना, उपमा के बारे में कहा जाता है कि इसके ना चार अंग हैं, मतलब कि चार भेद हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला है, मैं यहाँ पे एक बार एक मिनट रुको लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, उसको बोला जाता है उपमेय। क्या बोला जाता है? उपमेय। और जो दूसरा वाला है उसको बोला जाता है उपमान। ठीक है, अभी इनका अर्थ भी बता दूंगी आपको साथ में। ओके, इसके बाद होता है दोस्तों वाचक। ठीक है, और लास्ट वाला है आपका धर्म। ठीक है, ये चार अंग है उपमा अलंकार के। अब इन चारों का मैं आपको मतलब बता देती हूँ, आप अच्छे से यहाँ पे एक बार मेरे साथ में समझ लीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए, उपमेय का मतलब होता है अपन जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की, जिस भी चीज़ की वहाँ पर तुलना कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी तुलना हमारे द्वारा की जाती है, किसमें? उपमा में। ठीक है, उपमा अलंकार जब होता है जिसकी तुलना की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। ये किसी वस्तु के लिए, ठीक है, किसी पदार्थ के लिए, या फिर किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रयुक्त तो हो सकता है। तो आपकी ये जो पंक्ति है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमेय कौन सा है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो मन है ना, मन, ये मन है आपका उपमेय। तो मैं इसके ऊपर फर्स्ट नंबर डाल रही हूँ ताकि आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ जाए। अब उपमान को समझना। उपमान का मतलब ये है दोस्तों कि हम जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की, जिस चीज़ की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, उससे कितनी समता है। समता का मतलब आप कह सकते हैं कि कितनी उपमा दी जा रही है, कितनी समानता उनके बीच में वहाँ पे बताई जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उपमान बोलते हैं। ठीक है, उसको हम उपमान बोलते हैं। अब देखो, ये क्या होता है कि आप ये उपमान यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें उपमान कौन सा है दोस्तों? पात है। ठीक है, कौन सा है यहाँ पे? पात है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? वाचक की। तो वाचक क्या होता है? आपका उपमेय और उपमान। ठीक है, इन दोनों की समता को प्रकट करने वाला शब्द होता है जिसको हम वाचक कहते हैं। और यहाँ पर वाचक की जो भूमिका निभा रहा है वो क्या है? सरिस है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सेकेंड, और सरिस में लिख दीजिए आप थर्ड। हालांकि अलंकार को जब डीप में पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। लास्ट में बचा है आपका डोला। ठीक है, तो ये डोला है आपका धर्म, लेकिन धर्म क्या है वो भी आपको एक बार मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता रही हूँ। तो देखिए, उपमेय और उपमान में जो भी मतलब कि उनके गुण है, या कर्म की, या समानता जो भी दिखाई गई है, उन सभी को हम धर्म से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर डोलने की बात की गई है, ये है धर्म। तो दोस्तों, है तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी उपमा के बारे में मिली होगी यहाँ पे। दूसरा हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। ठीक है, किसने कहा था? आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं ऑलरेडी कि किसने कहा था, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा। यहाँ पर बात ये भी उठती है कि ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ये हो चुका है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा, और रामकुमार वर्मा जी के द्वारा आदिकाल को क्या कहा गया।
तो मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं और इनके द्वारा इसका नामकरण आदिकाल किया गया और इसी नामकरण को सर्वमान्य रूप से मतलब कि सभी की सहमति से स्वीकार भी किया गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आपके रामचंद्र शुक्ल जी है ये वीर गाथा काल नाम देते हैं। कौन सा दोस्तों? वीर गाथा काल नाम। कल ही आपने रामचंद्र शुक्ल जी का विभाजन पढ़ा अन अकेडमी पर मेरे साथ, तो वहाँ पर हम ये भी पढ़ के आए थे कि 12 ग्रंथ है, 12 ऐसे काव्य है, 12 ऐसी रचनाएं हैं जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी वीर गाथा काल नाम देते हैं। ये पढ़ के आए थे कल हम, जो स्टूडेंट क्लास में थे उनको पता है। राहुल सांकृत्यायन जी आपके सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं, जो कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है। अब सवाल ये है कि राम कुमार वर्मा जी क्या नाम देते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो और मैं चाहूँ तो आपको यहीं पर इसका आंसर बता सकती हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि मैम राम कुमार वर्मा आदिकाल को क्या नामकरण करते हैं, क्या नाम देते। प्लीज़ मैं अगर कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका जवाब सभी दे, ठीक है। चाहे आप गुड मॉर्निंग ना करें, आप कुछ और ना कहें, ठीक है, आप वीडियो को लाइक ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन 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 जो जानकारी आपसे पूछी जा रही है उसको जरूर बताएं। मैं अपने चैनल पर आपसे कभी नहीं कहती कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, लेकिन आप करते हो उसके बावजूद भी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कभी नहीं कहती, आप मत करो, लेकिन जो सवाल पूछते हो उसका आंसर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखिए इंद्रजालिक शब्द का अर्थ पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिनका अर्थ डायरेक्ट कभी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंद्रजालिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब मतलब पूछा गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी गलती कर दी थी, लेकिन दोस्तों इसका जो सही अर्थ है वो है जादूगर, ठीक है। इंद्रजालिक का अर्थ होता है जादूगर, ओके। तो ये शब्दों का अर्थ तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसमें तो अतिरिक्त मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी के 4 शब्द नॉर्मल है, उनका आपको ऑलरेडी अर्थ पता है। हिंदी में रिपोर्टार्ज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन से हैं? ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं आपसे ये कहूँगी ये बहुत छोटा टॉपिक भी है। रिपोर्टार्ज जो हमारी विधा है ना हिंदी साहित्य के अंतर्गत, ये बहुत छोटी सी है। मुश्किल से आप ये कहेंगे कि अगर मैं आपकी क्लास लूँ तो एक घंटे में आपका रिपोर्टार्ज खत्म हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हमसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई रिपोर्टार्ज लेखन का प्रारंभ किसने किया, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि शिवदान सिंह चौहान ने किया, लेकिन इसकी थोड़ी सी एडिशनल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। हिंदी में रिपोर्टार्ज लेखन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो आपके शिवदान सिंह चौहान को है। इनका देखो रूपाव पत्रिका में आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, रूपाव ये तो किसका नाम है, ये पत्रिका का नाम है, ओके, ये रूपाव है पत्रिका। और दोस्तों बात है ये कब की, दिसंबर के महीने की, ठीक है, दिसंबर के महीने की बात है 1938 की, ठीक है, 1938 की बात है। शिवदान सिंह चौहान की एक रचना है जिसका नाम है क्या, लक्ष्मीपुरा। याद आया कुछ? बिल्कुल आया होगा, लक्ष्मीपुरा, ठीक है। इससे इसी लक्ष्मीपुरा से माना जाता है कि शिवदान सिंह चौहान ने रिपोर्टार्ज विधा का क्या किया दोस्तों, प्रारंभ किया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि शिवदान सिंह चौहान का जो पहला रिपोर्टार्ज है वो कौन सा है, लक्ष्मीपुरा है, ठीक है, आप ऐसे फटाफट ये बात कह सकते हो। इसके अलावा इन्होंने और भी काफ़ी सारे रिपोर्टार्ज लिखे थे, ठीक है, आप उनकी भी वहाँ पे बात कर सकते हो। एक तो मुझे याद आ रहा है कि मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, इस टाइप का इनका था, ठीक है, रांगे राघव है, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे है, प्रकाश चंद्र गुप्त है जो रिपोर्टार्ज लेखक है। अगर डिटेल में कभी क्लास लूंगी तो जरूर बताऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी में रिपोर्टार्ज लेखन को प्रारंभ करने वाले कौन है, शिवदान सिंह चौहान है, और रूपा पत्रिका में दिसंबर 1938 में सबसे पहले इनका लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टार्ज है ये प्रकाशित किया गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बिल्कुल, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको रिपोर्टार्ज के बारे में दे देती हूँ, माफ़ करना, ये कहेंगे कि मैम क्या कर रहे, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि ये रिपोर्टार्ज जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है, तो ये फ्रेंच भाषा का है। कौन सी का है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टार्ज। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसका अर्थ किससे होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है रिपोर्ट से। किससे होता है? रिपोर्ट से, एक तरीके की रिपोर्ट से संबंधित होता है ये, ठीक है। वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं हम यहाँ पर रिपोर्ट का, ठीक है। आंखों देखी कोई भी घटना होती है ना, उसको हम साहित्यिक शैली में जब लिखते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी कलात्मकता, उस कला का हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम रिपोर्टार्ज कह देते हैं। रिपोर्ट ही लिखनी होती है लेकिन साहित्यिक लैंग्वेज में लिखनी होती है।
साहित्यिक भाषा में लिखनी होती है। बहुत मजा आता है रिपोर्टाज को पढ़ने में। नगेंद्र जो आपके हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो तो ये तक कह देते हैं कि हम जिस रचना, मतलब कोई भी रचना है ठीक है, उसके वर्ण विषय का आंखों देखा या कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत करते हैं ठीक है, कि पाठक की बिल्कुल जो हम कहें कि वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसकी जो हृदय तंत्री है वो एकदम झनकृत हो जाती है, मतलब उसके हृदय के तार झनकृत हो उठते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, और वो अपने आप को भूल जाता है, वो सारी चीज़ों को भूल बैठता है, इसी को रिपोर्टार्स कहते हैं। इस बात को डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तो अगर ये पंक्ति दे के पूछ लिया जाए कि रिपोर्टार्स के बारे में ये किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने ही यहाँ पर ये कथन दिया है, तो आप इसको याद रखिएगा। मैं आपसे बात करती हूँ कि वियोगी होगा पहला कवि, आसे उपजा होगा गान ठीक है, उमड़ कर हृदय से चुपचाप भी होगी कविता अनजान। इसी टाइप से है ये पंक्ति, आपने पढ़ी होगी, कभी कभी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती है तो उसको आप माइंड मत करना ठीक है। तो ये किसकी है, जैसे ही आपने ये पंक्ति पढ़ी आपके अंदर प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के प्यारे कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि की छवि आपके जहन में आई होगी ठीक है। और वो कौन है, वो है आपके हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ जिनको प्राप्त किया गया, जिनको ज्ञानपीठ दिया गया आपके, वो कवि है। अब वो कौन से कवि है, वो है आपके सुमित्रानंदन पंत। कहा जाता है दोस्तों कि सुमित्रानंदन पंत का जब जन्म हुआ तो 6 घंटे के अंदर ही इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, और ये माँ धरती को ही अपनी मतलब कि माता मानते हैं। और आपको बता दूँ कि इंग्लिश के एक बहुत बड़े कवि है वर्ड्सवर्थ ठीक है, तो ये सुमित्रानंदन पंत को उनकी संज्ञा दी गई है। जैसे कि आप कालिदास को क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो, माफ करना, मतलब कि भारत का शेक्सपियर बोलते हो, उसी तरीके से सुमित्रानंदन पंत को हम हिंदी साहित्य का, या फिर हम कहें कि हमारे देश का क्या बोलते हैं, वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में प्रकृति का जितना शानदार वर्णन किया है उतना ही शानदार वर्णन प्रकृति का हिंदी साहित्य में सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। इसीलिए तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का प्यारा कवि, क्योंकि एक तो इनकी जन्मभूमि है उत्तराखंड ठीक है, बहुत प्यारी। और मैं आपको बता दूं कि इनके घर को भी संग्रहालय बनाया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनके बारे में हैं ठीक है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचना को मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो प्रकृति के चितेरे से याद रखना, चितेरे चिदंबरा, तो इनकी चिदंबरा जो रचना है उसको हिंदी साहित्य का प्रथम। देखो मैं पूरे की बात नहीं कर रही हूँ टोटल लैंग्वेज की, मैं सिर्फ हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ कब मिला उसकी बात कर रही हूँ। तो इनकी चिदंबरा रचना को मिला, और कब मिला ये आप कमेंट करके बताना, ये है आपसे मेरा सवाल ठीक है। आपसे बहुत कुछ मैं एडिशनल पूछ लेती हूँ, माफ़ करना, ये सोचते होंगे मैम कितने सवाल पूछती है। तो देखो जिस पर अभियोग लगाया जाए, एक तरीके से आप कह सकते हो जिस पर मतलब कि एक तरीके का आरोप लगाया हो ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया हो, तो दोस्तों ये एक नया टॉपिक निकल कर आया है, और टॉपिक का नाम क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आप कहेंगे कि मैम हिंदी साहित्य के अंदर भी ग्रामर कुछ भी अलग अतिरिक्त टॉपिक पूछ लिए जा रहे हैं ठीक है, के लिए एक शब्द ये टॉपिक का नाम है, आप इसको लिख लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, मतलब आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो जिसके ऊपर अभियोग लगाया जाता है उसको अभियुक्त बोलते हैं ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभियुक्त बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो विनय पत्रिका जो रचना है वो किसकी है, तुलसीदास जी की है ठीक है। और जब आप तुलसीदास जी को पढ़ते हो तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में आ जाती है अपने आप ही पढ़ते पढ़ते। और यहाँ पर इसकी जो भाषा है ना दोस्तों, ये ब्रज भाषा है। कौन सी है, ब्रज भाषा है ठीक है। बहुत सारी रचनाएं इनकी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर हमसे डायरेक्ट उसकी भाषा के ऊपर क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है इस्तवार देला लिख लो तर इंदुई ए हिंदुस्तानी, किस भाषा में लिखा गया। तो अन अकेडमी पर आजकल मैं आपको ये ही पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले मैंने आपको गारसा दत्तासी पढ़ाया, गियर्सन पढ़ाया, मिश्र बंधु पढ़ाए, शिव सिंह सेंगर पढ़ाए, रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ाए, और आज की क्लास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पढ़ाऊंगी ठीक है। तो सबसे पहले जब हम गारसा दत्तासी को पढ़ के आए थे, 5 क्लास हो चुकी है हमारी ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है, इस्तवार देला लितलुत्तर इंदुई ए हिंदुस्तानी है, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों इसके देखो
मैंने आपको ये भी बताया कि इसके संस्करण कितने हैं, अब आपको याद आ रहा होगा जो उस क्लास में जुड़ते, इसके संस्करण तो है दोस्तों दो, ठीक है, लेकिन इसके दो संस्करणों के भाग कितने हैं टोटल, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आता है, तो मैं कलर चेंज करके आपको बता दूं कि दोस्तों दो, देखो दो भाग तो है यहाँ पर प्रथम संस्करण के, ठीक है, और तीन भाग है यहाँ पर दूसरे संस्करण के, ठीक है, जिसमें आपसे मैंने सवाल बताया था, पूछा था, ठीक है, कि इनके संस्करण का पूरा डेट सब कुछ मैंने आपको लिखवाया था, तो आपको ये सारी की सारी जानकारी अगर चाहिए तो आप वहाँ जाके वो क्लासेस देख सकते हो, वो क्लासेस एकदम फ्री है, ठीक है, कोई किसी तरीके का शुल्क नहीं है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो। क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे करवा ही रही हूँ, सब कुछ फ्री में करवा रही हूँ, किसी का कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। तो देखिए, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बारे में तो हम काफी चर्चा पहले भी कर चुके थे शायद एक क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम फिर से यहाँ पर चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा ही प्यारा ये टॉपिक है। तो देखो, अधिक प्रयत्न से मतलब कि ज्यादा जोर जहाँ पर आपको लगाना पड़े, ऐसे उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है वो कौन से, अल्प प्राण है, महाप्राण है, ठीक है, सायास व्यंजन है या सुदीर्घ व्यंजन है। अब आपको बता दूं कि है तो अल्प प्राण और महाप्राण में से ही है, लेकिन कौन से है? अल्प प्राण की अगर हम बात करते हैं ना, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये कम मात्रा में बाहर निकलते हैं, जल्दी से नहीं मतलब ये निकल पाते, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं बताना, आपको तो ये बताना है कि बहुत ज़्यादा अधिक प्रयत्न से कौन से निकलते हैं। तो आंसर तो है आपका महाप्राण, लेकिन थोड़ी सी और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी जानकारी आपको दे दूँ, हालांकि आप पढ़ना इस टॉपिक को जरूर पढ़ना, जो व्यंजन वाला टॉपिक है, ठीक है, वर्ण वाला जो टॉपिक है इसको जरूर पढ़ना, इसमें आपको स्वर व्यंजन ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ, ठीक है, जो आसानी से बोले जाए वो अल्प प्राण, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत हो उसको बोलते हैं हम महाप्राण, जैसे कि आप खे ठे थे फ, ठीक है, घे ढे ढे भे, ये सब होते हैं ना, ये सब क्या है, ये महाप्राण की श्रेणी में आते, ठीक है, और जैसे हम जल्दी से बोल देते हैं ना फटाफट से क ख ग घ, ये सब जो है ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं अल्प प्राण में, मतलब कि जो आसानी से निकल जाए, आसानी से बोले जाए वो अल्प प्राण, और जिनके बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आए, थोड़ी कठिनाई आए, वो महाप्राण। ओके, अगर पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया। अब ऑप्शन आपके सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है नहीं, वरना आप फटाफट भारतेंदु हरिश्चंद्र टिक कर देते, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा है वो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा दिया है, और प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ेंगे हम आगे भारतेंदु युग में, बहुत अच्छे कवि है, बहुत अच्छा इन्होंने काव्य लिखा है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, ये 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कंप्लीट, अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप मतलब वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि हाथ से लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कम क्वेश्चन लाती हूँ, अगर मैं ज़्यादा लिख पाती तो मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी ले आती आपके सामने, लेकिन नहीं हो पाता उतना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे, ठीक है, ऐसे स्माइल करते रहे। और देखो DSSB का PGT का एग्ज़ाम तो अभी आपका फीमेल का है, मेल की डेट नहीं आई है, ठीक है, PGT का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट है 16 जून, मेल की अभी डेट आई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ाई नहीं करनी है, उनको पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। और आप जितनी भी महिलाएं हैं जो मेरी क्लास को इस वक्त देख रही है, आपसे यही कहूँगी कि इसमें सिलेक्शन ले लोगी ना तो नया पार है, मतलब आपकी आने वाली 7 पीढ़ी नहीं कहूँगी मैं, अनगिनत पीढ़ी है जो तर जाएंगी, मतलब ये इतनी शानदार पोस्ट है ना कि इस पर अगर आप एक बार पहुँच गई तो आप बहुत कुछ कर सकती हो लाइफ में, बहुत कुछ का मतलब आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाती रहोगी रेगुलर, पैसा बहुत अच्छा मिलेगा, और एक बहुत ही मतलब इज्जतदार बहुत अच्छा ये एक कार्य है, बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि यहाँ पर आप नित्य प्रति बच्चों को शिक्षा का दान दोगी और उसके बदले में आपको कुछ पारितोषिक मतलब कि इनाम स्वरूप कुछ सैलरी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, इसको ज़रूर आप पास करें और इसमें सिलेक्शन लें, मेरी यही शुभकामनाएं, दुआ है और मेरे कर्म है कि मैं आपकी मदद करूँ। ठीक है दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।